यही कि उसके साथ ऐसा गलत हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो। बस वो अपनी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने गया था, उनसे सब कुछ ले भी लिया, उनके पैसे भी थे उसमें 60-70 हज़ार रुपये थे, वो सब ले लिया, उनका ATM कार्ड वगैरह का सब कुछ था, और इसे नाजायज मार के चले गए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस कि इनको सजा दिलवाएं, जल्द से जल्द इनको पकड़े और इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों को परेशान कर करके जा रहे हैं उल्टा। भाई को इंसाफ मिले, सजा दो, और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बेनकाब हो, चेहरा सामने आए उनका, और बच्चियों को इंसाफ मिले। आप उसकी फैमिली का खर्चा बनवाएं, ताकि वो कहाँ से सपोर्ट करेगी। जाहिर है वो चार बच्चों को लेके किस तरीके से राशन वगैरह का करे, घर भी किराए का है उनका। आप ये करें, आप उनका महीना बनवाएं, बच्चों के साथ वो किस तरह से मैनेज करेगी। कहना चाहेंगे, यही कहना चाहूँगी बाबू कि ये रोक ही जाए, किसी के भी जा रहे हैं वो लाल ही जा रहे हैं ना माओ के, रोका जाए, आना ना हो ऐसा, बस। और क्या अपील करूँगी मैं, और मैं बच्चे का कुछ करो ताकि उसके बच्चियों का वो हो जाए। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी असीफ से? आखिरी उसी दिन सुबह में आता था बाप के पास, दो दाने मावे डाल के चला जाता था, बस। शाम को नहीं देखा मैंने उसको, शाम को इन्हीं के पास आया था, वो दो दाने डाल के और बच्ची को लेके गया। बाद में किसी बच्चे ने आके बताया इनको, और यह बोला उसने कि मेरे अब्बू को बताना, किसी को नहीं बताना। तो अब्बू को ही बता के गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कोई अपील करना चाहेंगी आप? यही करेंगे अपील कि भाई बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, उसके लिए कोई खर्चा पानी बनाया जाए, क्योंकि उनका कोई वरी वराज नहीं। हम तो बूढ़े, हम तो उनकी सपोर्ट कर ही नहीं सकते ना बाबू। घर एक हमारा बस, यहाँ भी दो फैमिली रहती है।